नहीं रही हीराबा, पीएम मोदी की मां हीराबा, जिनका जिक्र अक्सर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में होता था, जिनके साथ की पीएम मोदी की तस्वीरें झट से पलक झपकते ही वायरल हो जाती, आज भी हैं, लेकिन शोक संदेश के साथ कि नहीं रही हीराबा। 100 साल की उम्र में पीएम मोदी की मां हीराबा ने दुनिया को अलविदा कर दिया, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दो बड़े ही भावुक संदेश के साथ दी। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। और ऐसी ही बातें पीएम मोदी अक्सर अपनी मां के बारे में हर मंच से कहते सुनाई देते थे। आपको बता दें कि हीरा मोदी को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसके अलावा उन्हें कफ की शिकायत भी थी। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें आनन फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में लगी थी। गुरुवार को अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि उनकी तबियत में सुधार है, लेकिन शुक्रवार की मनहूस सुबह उनके निधन की दुखद खबर ले आई। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 3:30 बजे उनका निधन हुआ। वहीं इससे पहले लगातार हीराबेन के लिए दुआओं का सिलसिला जारी था। यूपी में भी जगह जगह हीराबेन के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं की जा रही थी। क्या वाराणसी, क्या कानपुर, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, हर तरफ दुआएं। यूपी के तमाम सियासी दिग्गजों ने भी हीराबेन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं की थी। मायावती से लेकर अखिलेश यादव ने भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए सोशल मीडिया पर संदेश भेजे थे। तो प्रियंका गांधी ने भी इस घड़ी में पीएम मोदी को ढांढस बंधाया था। अब जब हीराबेन के निधन की खबर आई है तो फिर संदेशों का सिलसिला जारी है, लेकिन उनमें उम्मीद नहीं, बस शोक है। एक मां को खोने का दर्द है जो किसी भी शख्स के लिए सबसे बड़ा होता है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ट्वीट से समझा जा सकता है। राजनाथ लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। और कुछ ऐसा ही दर्द सीएम योगी ने भी बयां किया। सीएम योगी ने भी लिखा, एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है। माँ का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपनी चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। वहीं मायावती ने भी ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन के निधन हो जाने की खबर अति दुखद। उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। खुदरत उन्हें एवं उनके सभी चाहने वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी की उनके मां के साथ की तस्वीरें शेयर कर हीराबा को श्रद्धांजलि दे रही हैं, जिसमें खास है इसी साल 18 जून की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। पीएम मोदी अपनी मां के 100 बरस पूरे होने पर